महाराष्ट्र में सावरकर फरार सीएम, डिप्टी सीएम समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर बदली डीपी, लगाई ये तस्वीर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना बीजेपी गठबंधन के अन्य नेताओं ने वीडी सावरकर के समर्थन में गौरव यात्रा से पहले मंगलवार को उनकी तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी डिस्प्ले पर लगाया है। भारतीय जनता पार्टी और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने घोषणा की है कि देश में सावरकर के योगदान का सम्मान करने तथा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की द्वारा आलोचना के जवाब में 30 मार्च से महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में सावरकर गौरव यात्रा निकाली जाएगी। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा वीडी सावरकर की तीखी आलोचना करने को लेकर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन में तनाव के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने हस्तक्षेप करके कांग्रेस नेतृत्व को इस मुद्दे पर शिवसेना की चिंताओं से अवगत कराया है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सावरकर की आलोचना के मामले में अपना रुख नरम करने पर सहमत हो गए हैं। पार्टी द्वारा सावरकर की आलोचना की वजह से महाराष्ट्र में उसके गठबंधन साझेदार एनसीपी और शिवसेना में असहजता है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ अपनी बातचीत में सावरकर मुद्दे को उठाया था और एमवी सहयोगियों के बीच इस मामले पर सहमति है। राउत ने कहा कि एमवी गठबंधन बरकरार है, यदि किसी को लगता है कि एमवी टूट जाएगा तो वह गलत है। बैठक में शामिल दो नेताओं ने बताया कि पवार ने सोमवार को खड़गे द्वारा बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया और स्पष्ट किया कि सावरकर को निशाना बनाने से एमवी को कोई लाभ नहीं होगा। बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद थे। शिवसेना के ठाकरे गुट के सांसदों की एक बैठक के बाद राउत ने कहा कि लगभग सभी विपक्षी नेताओं का विचार था कि सावरकर के मुद्दे को उठाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें यह तय करना होगा कि हमें मोदी से लड़ना है या सावरकर से और भ्रम उत्पन्न करना है। पवार ने राहुल गांधी को यह भी बताया कि सावरकर कभी भी आरएसएस के सदस्य नहीं थे और इस बात को रेखांकित किया कि विपक्षी दलों की असली लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि राहुल ने बैठक में कहा कि सावरकर का मुद्दा एक वैचारिक रुख है, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भारत राष्ट्र समिति के नेताओं ने भी शिवसेना के ठाकरे गुट के साथ संपर्क किया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर ब्रिटेन के दौरे के दौरान भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया है और उनसे माफी की मांग की है। लोकसभा के पूर्व सदस्य गांधी ने कहा कि वे सावरकर नहीं है और माफी नहीं मांगेंगे।